और संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, कल हुई हिंसा के बाद कार्रवाई की गई है। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क पर केस दर्ज किया गया है। सांसद समेत 17 नामजद लोगों पर FIR दर्ज की गई है। जिलाध्यक्ष फिरोज खां पर भी केस दर्ज किया गया है। चेयरमैन शकील कुरैशी पर भी FIR दर्ज की गई है। सांसद समेत 17 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। फिरोज खां जो कि जिलाध्यक्ष है, उन पर भी केस दर्ज किया गया है। और शकील कुरैशी जो चेयरमैन है, उनके ऊपर भी FIR दर्ज की गई है। संभल से बड़ी खबर है, कल हिंसा के बाद सांसद शफीकुर रहमान वर्क पर केस दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। दानिश, कल हिंसा हुई और उसके बाद आज कार्रवाई हुई है, सांसद समेत 17 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। क्या कुछ वो मामला है, क्या किस आधार पर FIR दर्ज की गई है? तो बता दूं कि जिस तरह से कल ये समाजवादी पार्टी के आह्वान पर पूरा भारत बंद था, उसी में मद्देनजर संभल में भी भारत उसका असर था और यहाँ पर काफी भीड़ नगर पालिका के बड़े मैदान में पहुंची थी, जहाँ पर वहाँ पर डॉक्टर शफीकुर रहमान के अलावा सपा के काफी दिग्गज नेता वहाँ मौजूद थे। तो जिस तरह से प्रशासन को वहाँ पर ज्ञापन देने के बाद ये जो भीड़ था वो वापिस जा रही थी, तो यहाँ चौरीसराय चौकी के नजदीक पहुंचकर जिस तरह से वहाँ किसी वजह से ये नहीं अभी तक पता लगा है कि पुलिस पूरी के आखिर क्यों पथराव किया गया। पथराव के बाद यहाँ आगजनी की गई, 3 रोडवेज की गाड़ियों में आग लगा दी गई, उसके अलावा पुलिस की एक गाड़ी भी तोड़ दी गई, काफी लोग जख्मी हुए, दोनों की फायरिंग की गई है, पथराव किया गया। उसी के बाद अब पूरे प्रशासन एक्शन में आया और कल जिस तरह से 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान, उसके अलावा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और यहाँ के चेयरमैन प्रति शकील अहमद के साथ और उन लोगों को शामिल किया गया जो उस मंच पर शामिल थे। तो उसके साथ 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे लगातार पुलिस प्रशासन पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सैकड़ों लोगों के खिलाफ हुआ है, सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, तो किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया ये जानना चाहेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो सांसद में मुकदमा किया है, धारा 144 का उल्लंघन किया गया, क्योंकि धारा 144 लागू थी, उसके बाद भीड़ इकट्ठा करना और वहाँ पर प्रदर्शन करना। लेकिन अब उस बात सवाल ये उठता है कि जिस तरह से धारा 144 में लागे, लेकिन समाजवादी पार्टी के फिरोज खान से बात की गई है, उन्होंने कहा है कि यहाँ के DM अविनाश चंद्र ने जिस तरह से हम लोगों को उसकी कार्यक्रम की संतुति दे दी थी, को लेटर मिल गया था, लेकिन उधर DM अविनाश की बात की गई सीधी तौर पर, उन्होंने कहा किसी तरह से कोई इजाजत नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बात की जाए तो कहीं DM अगर अविनाश चंद्र की बात की जा सकती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है प्रशासन की भी, जिसकी वजह से ये उग्र आंदोलन भी किया गया। अगर यहाँ धारा 144 है तो उसकी क्यों इजाजत दी गई, क्यों मेल किया गया? तो फिलहाल अभी पूरी प्रशासन, क्योंकि आज जुमे का वक्त है, आज जुमे की नमाज है, उसको लेकर पूरा प्रशासन यह अलर्ट किया गया है। यहाँ पर मस्जिदें हैं, आसपास मंदिर सभी जगह पर पूरा पुलिस टीमें लगा दी गई हैं, यहाँ पर काफी पुलिस और उसके अलावा RPF और PSC यहाँ तैनात की गई है, सारे चौराहों पर पुलिस लगा दी गई है कि किसी तरह कोई हालात यहाँ खराब नहीं किया जा सके। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए दानिश।